दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो अभी तक तो आपको सामान खरीदना आ गया होगा ना, पता लग गया होगा कि कब आपको कौन से यूनिट का यूज करना है। अगर मम्मी भेजती है शुगर लेने के लिए तो अब तक तो आपको पता लग गया होगा ना कि कौन सी यूनिट का यूज करना है, ग्राम का यूज करोगे या किलोग्राम का यूज करोगे। अब तक तो आपको पक्का पता लग गया होगा कि हमारी जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम मेजर करते हैं यूनिट की हेल्प से। बताया था ना मैंने आपको कि हम लोग जब भी कहीं पे कोई भी मेजरमेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, हम जब उसका मेजरमेंट करते हैं तो हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। और आपको तो बहुत अच्छे से निकालना आ गया है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग, बिल्कुल हम ही करेंगे। देखिए हम लोग एग्जैक्टली अभी क्या करने वाले हैं, आपको ना थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ। हुआ क्या था कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, चलिए पहले मैं टॉपिक के बारे में बताती हूँ ताकि आपको पता लगे कि मैं ये जो इतनी सारा आपको बता रही हूँ ये क्यों बता रही हूँ। देखिए टॉपिक का नाम होगा हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट हमने पढ़ ली थी, यूनिट जस्ट मेजरमेंट होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है, यूनिट चाहिए होती है। बट हम ये इसलिए क्यों कर रहे हैं, मतलब हमने ये सिस्टम क्यों बनाया, जबकि हमने देख लिया था कि हमारी जो यूनिट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ड्राइव यूनिट्स होती हैं। फंडामेंटल खुद में ही इंडिपेंडेंट होती हैं, ड्राइव यूनिट फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। देख लिया था ना सब कुछ, तो फिर ये सिस्टम की क्या जरूरत पड़ी। अब मुझे एक बात बताइए, सिस्टम से आप क्या समझते हैं। जैसे आप देखते हैं हमारी गवर्नमेंट है, सिर्फ गवर्नमेंट में कोई एक पर्सन तो है नहीं, आपने देखा कि उसमें हर राज्य का कोई ना कोई मंत्री होता है, फिर हर किसी एक जिले का कोई ना कोई MLA होता है। कहने का मतलब ये सारा का सारा क्या बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। इसी तरह से अलग अलग जगह पे जो यूनिट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसा हमारे इंडिया में जो है वो अलग है, अगर आप अमेरिका में जाओगे अलग होगी, अगर आप रूस में जाओगे अलग होगी, सबकी अपनी करेंसी होती है, सबकी अपनी यूनिट्स होती हैं। तो ये जो लेने देने वाला सिस्टम चल रहा था ना, ये बड़ा ही बहुत मतलब कंफ्यूजिंग चल रहा था कि क्या किया जाए, किसके यूनिट को प्रेफरेंस दिया जाए। तो उस यूनिट को एक्यूरेट बनाने के लिए क्या किया गया, देखा गया कि ये सिस्टम कौन कौन सी यूनिट्स पे काम करता है। जो मेन मेन हमारे राज्य थे है ना, जो मेन मेन हमारी कंट्रीज थी, उनको क्या किया गया, उनको इकट्ठा किया गया और उनके यूनिट्स देखी गई कि उनके यूनिट्स कौन कौन सी है। देन उनमें से ये देखा गया कि इनमें से कौन सी वाली मेन है जिसको निकाला जाए, जिसको स्टैंडर्ड यूनिट माना जाए, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का नाम देंगे कि ये वो यूनिट है जो सभी देशों में चलेगी और कोई अपनी मर्जी नहीं चलाएगा। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हमारा ऐसा कौन सा सिस्टम है, यानी कि हमने ऐसी कौन सी यूनिट्स को इम्पोर्टेंस दी है जो सभी कंट्रीज पर काम करती है, सभी कंट्रीज सिर्फ इसी को ही फॉलो करती है। तो चलिए फिर शुरू करें। तो देखिए आपने ऊपर डेफिनेशन तो देख ही ली होगी कि आज हमें क्या करना है, हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ कि हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है वो क्या होती है। तो देखिए, ए सिस्टम ऑफ यूनिट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट। जो इस सिस्टम होता है यूनिट का, वो हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा सेट होता है, किस किस का, फंडामेंटल यूनिट का और बताइए ड्राइव यूनिट का। अब फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है पता है ना, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, जो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है और अदर्स के ऊपर क्या नहीं करती, डिपेंड नहीं करती, तो आपकी फंडामेंटल होती है। और जो ड्राइव्ड यूनिट होती है वो हमारी क्या रहती है, डिपेंड करती है फंडामेंटल पे। दूसरी बात, हमारा जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो हमारी बेसिक यूनिट होती है जिसके ऊपर हमारा सब कुछ डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी सेट की, फंडामेंटल की। अब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट जो सिस्टम है उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। बता दूं, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के, जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे, डाइमेंशंस करेंगे, तब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बार 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 मैं आपको बताऊंगी ये CGS है, ये आपका SI है,
ये फिर से सीजीएस है, ये फिर से एसआई है, आपको चेंज करना है सीजीएस से एसआई में, एसआई से सीजीएस में चेंज करना है, तो बहुत ज्यादा क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो सिस्टम मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये सिस्टम आपको बहुत ध्यान से आराम से देखना है। अच्छे बच्चों की तरफ फटाफट से नोटबुक लेके आओ, पेन्स लेके आओ, और अपने जो भी मैं साथ साथ बोलूँ उसको साथ साथ लिखते रहना, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो मैं बोल नहीं पाती हूँ लेकिन मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, तो शुरू करें फिर। देखो बच्चा, जो हमारे पास सबसे पहला सिस्टम होता है, दिस इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम, CGS। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कहाँ पे यूज होता है। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय फ्रेंच पीपल, जो हमारे फ्रेंच है, मतलब हमारे नहीं, अदर कंट्री है हमारी, जो फ्रांस, वहां पे जो पीपल हैं उन्होंने ये क्या किया था, डेवलप किया था, जिसमें क्या नाम रखा गया था, CGS। अभी बताऊंगी CGS का मतलब क्या होता है। बट साइज ऑफ बेसिक यूनिट इज टू स्मॉल, बट इसका जो साइज था ना वो बहुत स्मॉल हो गया था। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट एंड रैशनल एज वेल, और ये एब्सोल्यूट भी नहीं था। एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकल के आ रही थी। जब फ्रेंच की ये जो हमारी यूनिट थी ना CGS, इसको जब मेजर करके देखा गया तो उतनी एक्यूरेसी आती ही नहीं थी, मजा नहीं आ रहा था तोला तोली करने में, तो क्या किया गया, इसको मेन नहीं माना गया। अब मैं बताती हूँ कि ये जो CGS होती है इसका मतलब क्या होता है। देखिए हमारी क्या होती है, हमारी कुछ यूनिट्स होती हैं, बेसिक यूनिट, वी हैव थ्री बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लिख लीजिए, फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती है पता है आपको, मास, लेंथ और टाइम, ये आपकी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है। और इस सीजीएस का मतलब यहाँ पे क्या है, इस सीजीएस रिफर्स टू सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। अब पता लगा ये जो सीजीएस सिस्टम है ये किस किस के बारे में बताता है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो आपकी यूनिट है ना, यूनिट जैसे कि जैसे हमारी हाइट की यूनिट हो गई, तो अगर आप लोग लेंथ के लिए ले रहे हो तो लेंथ कितनी होगी इसकी, सेंटीमीटर में मापी जाएगी। कहाँ पे, फ्रेंच में, फ्रांस में। और अगर मान लो आप लोग वेट की बात कर रहे हो, मास की बात कर रहे हो, तो किस में मापा जाएगा, ग्राम में मापा जाएगा। और अगर आप लोग टाइम की बात करोगे तो किस में मापा जाएगा, सेकंड में मापा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपसे ये कहा जाए कि सीजीएस सिस्टम, दैट्स मीन यूनिट क्या होगी आपके, सेंटीमीटर किसके लिए होगी, सेंटीमीटर होगी आपकी लेंथ के लिए, ग्राम किसके लिए होगी, ये होगी आपकी मास के लिए, और सेकंड किसके लिए होगी, ये होगी आपकी टाइम के लिए। तो ये फ्रेंच पीपल्स थे, उन्होंने क्या किया था, इसको डेवलप किया था, और इस तरह से इनको क्या किया था, मेजर किया था लेंथ, मास और टाइम को। लेकिन आप देखने से, आप खुद बताइए, अपने यहाँ पे अगर हम सेंटीमीटर देखेंगे तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लगभग इतना सा होता है नहीं होता है। अब 1 सेंटीमीटर इतना सा है, अब मान लीजिए हमें, मान लो कि मुझे ये बोर्ड को क्या करना हो, मेजर करना हो, मतलब अब मैं इतना इतना मापूंगी क्या, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, ये तो बहुत स्मॉल है ना, आप बताइए खुद, ये तो बहुत स्मॉल स्मॉल यूनिट्स हो गई। तो इसको क्या किया गया, इसको प्रिफ्रेंस नहीं दी गई, इसको नहीं माना गया, यानी कि कहा गया कि ये तो बहुत स्मॉल है, लिखा है ना यहाँ पे, बट साइज ऑफ बेसिक यूनिट इज टू स्मॉल। इतनी स्मॉल अगर हम लोग करने लग गए, अब एक बात बताइए, मान लीजिए मैं शुगर लेने के लिए जाऊं शॉप पे, अब मैं उससे कहूँ भैया मुझे ना 1 kg क्या दे दो, शुगर दे दो, अब वो मुझे क्या 1 1 ग्राम में करके देगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, ऐसे नहीं देगा ना। ऐसे होगा तो एक तो टाइम खराब होगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, दूसरी बात ये जो मेजरिंग होगा इसको करने में बंदा वैसे ही बोर हो जाएगा। तो कहने का मतलब इतनी छोटी यूनिट थी ना ये, कि इसको मेजर करने है, मतलब सर दर्द होने लग गया था। तो इसको क्या नहीं दी गई, प्रिफरेंस नहीं दी गई। बस जस्ट आपको इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि सीजीएस में सी का मतलब सेंटीमीटर होता है, जो हमारी लेंथ की यूनिट होती है, और आपका जो मास होता है वो हमारी सेकंड, सॉरी, हमारे जो मास होता है वो वेट की यूनिट होती है, और सेकंड जो होता है वो टाइम की यूनिट होती है। बस ये छोटी सी बात याद रखनी है। ठीक
ठीक है। सो अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट सिस्टम की तरफ, हमारा एम के एस सिस्टम। सबसे पहली बात, ये बहुत एक्यूरेट है, ये बात आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। सो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, हेयर हेयर एम के एस स्टैंड्स फॉर, एम के एस स्टैंड्स फॉर। ये अब पता करना शुरू करते हैं, ऐसी कौन सी यूनिट है जिसने सबके ऊपर राज किया हुआ है, सभी कंट्रीज उसकी बात मानती है और सभी कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ उन्हें यूनिट्स को ही क्या यूज क्या करती है, यूज करती है। ये जो हमारी यूनिट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सिर्फ ना हमारी कंट्री, ये ऑल ओवर जो हमारा इंटरनेशनल लेवल होता है वहां तक इस यूनिट का यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब ये यूनिट कौन सी है, इसको क्या नाम दिया जाता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की कौन सी यूनिट मानी जाती है, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, हमारा टॉपिक। तो जो हमारा सिस्टम है जिसके बारे में मैं ये एक्साइटमेंट के साथ आपको बता रही हूँ कि हमारी जो यूनिट है, जैसे कि हमने तीन सिस्टम पढ़े, CGS पढ़ा, FPS पढ़ा और हमारा MKS पढ़ा, तीनों को हटा के ऐसी कौन सी यूनिट को इम्पोर्टेंस दी गई, उस यूनिट का नाम होता है इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, यानी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इस यूनिट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और आपकी बुक में पूरी की पूरी फिजिक्स में आपको बहुत अच्छे से नाम दिखेगा SI यूनिट, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इस SI का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। आपसे एग्जाम में पहले ही बता दूं, बहुत ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लेंगे आपसे कि बताइए फोर्स की SI यूनिट क्या है। और एक बात और बता दूं, हमेशा हर किसी की SI अलग होगी और CGS अलग होगी, तो आपको सभी फिजिकल क्वांटिटी की SI भी पता होनी चाहिए और आपको उसकी CGS भी पता होनी चाहिए। तो अच्छे से इस चीज को नोट डाउन करके रखिएगा कि जो ये दोनों चीजें होती हैं हमारी, यानी कि मेरा कहने का मतलब CGS और SI, ये दोनों अलग अलग होती हैं। जैसे CGS का तो आपको पता है ही, CGS क्या होती है, C का मतलब सेंटीमीटर होता है, G का मतलब ग्राम होता है और S का मतलब सेकंड होता है। तो ये क्या करता है, अलग अलग यूनिट्स पे काम करता है। तो हमारी जो इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है वो हमारी SI यूनिट होगी। अभी SI यूनिट होगी कौन सी, मास लेंथ और टाइम जो है उसको कौन से यूनिट में हम डिफाइन करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताती हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, दिस सिस्टम इज बेसिकली ए मॉडिफिकेशन ओवर MKS सिस्टम। याद है जब मैंने आपको CGS और MKS और फुट को FPS कराया था, तो मैंने बोला था MKS के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताऊंगी और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कही थी ना मैंने आपको ये बात। तो वो बात मैंने इसीलिए कही थी क्योंकि हमारी जो SI यूनिट होती है एक्चुअली वो हमारी MKS सिस्टम पे काम करती है। तो समझ में आया मैंने क्या कहा, मेरे कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि जो MKS होता है, यानी कि M आपका किसको रिफर करता है, जो मास होता है आपका वो तो आपका क्या होता है kg में, आपकी जो लेंथ होती है वो किस में होती है बताओ, मीटर में, और आपका जो यहाँ पे टाइम होता है वो किस में होता है, वो होता है आपके सेकंड में। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का सिंपली यहाँ पे ये मीनिंग है कि हमारा जो SI यूनिट होता है वो MKS सिस्टम को फॉलो करता है, यानी कि जब भी आप नॉर्मली कहीं भी जाएंगे, किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे जब आप किसी चीज के किसी भी कंट्री के साथ लेना देना करेंगे, जो हमारा सामान आएगा जाएगा, जो कि चाइना के साथ तो बिल्कुल नहीं होने वाला है लेकिन अदर कंट्रीज के साथ बिल्कुल होगा, तो वो लेना देना जो होगा, अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो मीटर में करेंगे, अगर हम वेट की बात करेंगे तो kg में करेंगे, और टाइम तो हमारा सेकंड होता ही है, चाहे वो हमारा FPS हो, चाहे वो हमारा CGS हो, चाहे वो हमारा MKS हो। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो SI यूनिट है वो टोटली किसके ऊपर काम करती है, MKS सिस्टम पे। समझ में आई बात। फिर क्या देखना है हमें, इट इज बेस्ड ऑन 7 बेस यूनिट। ये 7 बेस यूनिट होती है, बेसिक का मतलब तो आप पता ही है, जिनको हम फंडामेंटल बोलते हैं, एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। यानी कि अभी मैंने आपसे कहा जब भी हम किसी भी चीज की यूनिट्स के बारे में बात करते हैं तो तीन फिजिकल क्वांटिटी का सबसे पहले नाम आता है, मास टाइम लेंथ। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारे पास टोटल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जो आपके लिए मेन होती है ओवरऑल,
जिनकी यूनिट किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होती, अपनी खुद की होती है। जैसे मास की क्या होती है, मीटर सेंटीमीटर लेंथ, आप इसको और ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकते। ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने आपको बताया है कि फंडामेंटल एक बेसिक यूनिट होती है और ड्राइव्ड एक ऐसी यूनिट होती है जो फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड होती है और उसी से ही क्या होती है, ड्राइव्ड होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम ऐसी 7 फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे जो खुद में क्या है, अपनी अपनी राजा कह लो, रानी कह लो, जो भी है। तो हमें क्या करना है, उनके बारे में देखना है कि किस तरह से वो जो 7 हमारी क्वांटिटीज हैं वो अपने आप में काम करती हैं। तो देखिए हमारी बेसिक यूनिट इन SI, जब हम SI का नाम लेंगे, SI मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का नाम लेंगे, तो हमारे पास टोटल कितनी क्वांटिटीज निकल के आएंगी, हमारे पास यहाँ पे 7 क्वांटिटीज निकल के आएंगे। और वो 7 क्वांटिटीज हमारी कौन कौन सी हैं बच्चों, वो 7 क्वांटिटीज में सबसे पहले नाम आता है हमारे मास का। सबसे पहले आपको पता ही है, आप MKS यूज कर रहे हो तो उसकी यूनिट क्या होगी, KG, पता ही है आपको, हम लोग बार बार देख चुके हैं, क्योंकि MKS लेना है ना, हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सीख रहे हैं, यानी कि ऑल ओवर जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई काम करेंगे तो हमेशा मास को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में। और बच्चों इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आपकी KG। गलत मत करना, अच्छे से लिखते हुए चलना, सामने आमने सामने, और नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी आती है दैट इज लेंथ, और लेंथ को हम जो मेजर करते हैं वो कौन से यूनिट में करते हैं, मीटर में करते हैं। और मीटर का जो हमारा सिंबल होता है वो सिंपल होता है स्मॉल m, ओके। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में, तो नेक्स्ट हमारी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, थर्ड टाइम पे, थर्ड नंबर पे टाइम, जिसकी यूनिट क्या होती है हमारी सेकंड, और सेकंड को ऐसे भी शो करते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, तो सेकंड का हमारा जो सिंबल होगा वो क्या होगा, या तो s या फिर सेकंड, सेकंड का हाफ। फोर्थ नंबर पे जो है वो है हमारा टेम्परेचर। हाँ जी बिल्कुल, जब टेम्परेचर को मापा जाता है तो हर जगह अलग अलग होता है, क्योंकि टेम्परेचर की भी तो बहुत यूनिट होती है ना, जैसे केल्विन हो गया, सेल्सियस हो गया, फेरनहाइट हो गया, सबकी अलग अलग होती है। तो अब जब इंटरनेशनल लेवल पे टेम्परेचर को मेजर करते हो तो टेम्परेचर को मेजर करते हो केल्विन में, ठीक है। और केल्विन को किस से शो करते हैं, सिंबल K से। देन उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल भाई, करंट आज के टाइम में ऐसी कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मांगती, आज के टाइम में बिना बिजली के जीना तो मतलब जीना ही कहाँ है भाई, गाना भी गा सकते हैं, तेरे बिना भी क्या जीना, है ना, क्योंकि भाई करंट तो चाहिए। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब हम करंट के बारे में बात करते हैं तो उसकी जो यूनिट देखी जाती है वो देखी जाती है एम्पियर, और इसका जो आपका सिंबल होता है वो प्यारा सा होता है A। देन उसके बाद आती है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी हमारी क्या होती है, जो हमारी लाइट आती है उसकी जो डिस्टेंस होती है उसके बारे में बताता है। इसकी यूनिट होती है हमारी कैंडेला, और इसको आप लोग किस सिंबल से शो करते हैं, CD से। नेक्स्ट होती है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल में लेते हैं, मोल, मोल वाला मोल नहीं जिसमें आप लोग घूमने जाते हो, शॉपिंग करते हो, वो वाला मोल नहीं, ये मोल होता है, ये केमिस्ट्री में यूज होता है। होता क्या है एक्चुअल में, थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, पता है आपको, जब हम लोग कहीं पे कोई मान लीजिए शॉप पे जाके, जैसे इतनी, जब से हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया मैं शुगर ही लिए जा रही हूँ, इतनी सारी शुगर मैंने यहाँ पे इकट्ठी कर ली है, लेकिन हम लोग जाते हैं ना तो बोलते हैं भैया 1 kg, 2 kg, 3 kg ऐसे ऐसे शुगर दे दो, लेकिन जब हमें केमिस्ट्री के किसी भी चीज को लेना होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको हाइड्रोजन चाहिए या कोई और सामान चाहिए, तो हम उसको जाके ये नहीं बोलते भैया एक बार 2 kg हाइड्रोजन देना, ऐसे नहीं बोलते हैं, वहां पे मोल में सब कुछ चलता है। मोल में मतलब मोल इसकी यूनिट होती है, तो आपको याद रखना है। और इसकी यूनिट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, MOL। तो हमारी ये जो 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ये हमारी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पे काम करती है। इन सब का आपको नाम भी याद रखना है, इसकी यूनिट भी याद रखनी है, और यूनिट के सिंबल्स भी याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ही कह रही हूँ, बाद में ये मत कहना मैम आपने बताया नहीं, मैं पहले ही कह रही हूँ, ये सारा का सारा सिस्टम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारा का सारा फंडामेंटल पे काम करता है। आपको आप है ना इसको ना फंडामेंटल भी लिख सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज विद यूनिट्स, इनकी यूनिट्स भी बता दी मैंने, ठीक है।
ये तो थी हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटीज बेसिक थी। जो अब हम दो जो हमारी दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है ना उनके बारे में बात करेंगे। सप्लीमेंट्री जो थोड़ी सी ऊपर के लेवल पे काम करती है, तो सप्लीमेंट्री में जो सबसे पहले है हमारी वो है हमारा प्लेन एंगल। एंगल आप जानते हैं किसी भी दो लाइंस के बीच का जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल। तो उसकी जो आपकी यूनिट होती है वो रेडियन होती है, और सिंबल होता है आर ए डी रेड। सेकंड होती है आपका सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, और इसकी जो सिंबल होता है वो होता है SR। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको आई होप आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अच्छे बच्चों की तरह इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, कहीं पे भी कोई भी अगर आपको गड़बड़ लग रही है या फिर आपको समझ में नहीं आया कि हमने ये सब क्यों लिखा है, ये क्या किया है मैम ने, तो एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है मेरे बच्चों। हमने ये सारा कुछ सिस्टम इसलिए किया है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। CGS था, FPS था, MKS था। बड़ा सरदर्द हो गया था, सब अपनी अपनी कंट्री अपना अपना काम करने लग रही थी, सब अपनी अपनी यूनिट लेके आ रहे थे। तो हमने क्या देखा कि हमें कुछ दिमाग लगाना चाहिए। तो इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनिट को क्या किया गया, राजा बना दिया गया कि सभी इस यूनिट का क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे जब भी किसी दो कंट्री के बीच में लेना देना होगा, ना किसी एक का नुकसान होने देंगे ना किसी एक का फायदा होने देंगे। तो जब हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बनाया जिसमें इम्पोर्टेंस किसको मिली, MKS को। MKS में M आपका मीटर है जो लेंथ को मेजर करेगा, जो बिल्कुल एवरेज वैल्यू होती है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मीटर ठीक है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बीच का कौन है, ये तो बेचारा सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, बीच का कौन आया, मीटर। तो मीटर को इम्पोर्टेंस देंगे ना, मुझे बताओ देंगे या नहीं देंगे, तो देंगे। इसलिए MKS में क्या कर रखा है, इन सबको यूज कर रखा है। समझ में आया, MKS में मीटर आपकी मास, सॉरी लेंथ की यूनिट, KG आपकी मास की यूनिट, सेकेंड आपकी टाइम की यूनिट। तो इसलिए ये सब बनाया गया। और इन तीनों के साथ साथ ये जो बाकी की क्वांटिटीज है, ये वो क्वांटिटीज है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे इनका भी यूज करते हो, इनके बारे में भी बात करते हो, तो कौन कौन से यूनिट आप यूज करोगे वो बताई गई है। ठीक है, तो भाई ये था आपका कंप्लीट जो बेसिक हमारी यूनिट के बारे में जो हमें डिटेल चाहिए थी, जो हमें नॉलेज होनी चाहिए वो है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, सबके यूनिट याद होनी चाहिए। सच्ची बता रही हूँ, कहीं भी पूछ लेंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट या फिर CGS यूनिट, किसी के भी पूछ लेंगे। जब मैं आपको टोटली चार्ट बना के बताऊंगी ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको किस टाइम पे किस यूनिट का यूज करना है। बट उस तक पहले प्लीज नोट्स बना लेना। तो चलिए फिर, अगर चैनल पे न्यू हो तो अच्छे बच्चों की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो। वीडियो अगर पसंद आई और ये सिस्टम सारा समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी बताई हुई समझाई हुई जो मेरा तरीका है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं मिलूंगी आपसे एक बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छे से कोई एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए जितना भी काम हुआ है उसको नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।